अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी डू, वी विल डू एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमने पढ़े हैं कि कैसे एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करते हैं फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि हमने प्रीवियस सेमेस्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था और हम इस सेमेस्टर में भी, मैं आपको इस टॉपिक जो है रिवाइज कराऊंगी। उससे पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस पर कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे कि आप इंग्लिश में सेंटेंसेस पढ़ते थे, व्हेन ट्रेन केम वी विल गो, व्हेन सन राइजेस वी विल गेट अप, इस तरह के सेंटेंस, इनकी एक कंडीशन पहले फुलफ़िल होगी तो फिर दूसरी कंडीशन फुलफ़िल होगी। क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट ए, इवेंट ए की अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी है, व्हेन इट इज़ नोन डैट सम अदर इवेंट बी जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है, हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, इज कॉल्ड अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट द इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड एंड इज नोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी एंड इज फॉर्मुलेटेड बाय प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए गिवन बी, probability of A given that B already occur and probability of A intersection B क्या होगी कि both will occur, क्या होगी, divided by probability of B, or if we want to find out the probability of B given that A already occurred तो क्या करेंगे, probability of A intersection B given that probability of A, यानी कि हम क्या करेंगे, probability of A से इसको divide करेंगे। ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेटा मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज हमने एक डाई को थ्रो किया। अब डाई को थ्रो करने में उसकी सैम्पल स्पेस क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस ऑफ थ्रोइंग अ डाई, वन 2 3 4 5 6, एंड वी आर इंटरेस्टेड दैट नंबर 4 विल कम्स अप। हमें नंबर 4 की ज़रूरत है टू विन द गेम। तो 4 जो है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी हमारे पास, 1/6, बिकॉज वी नो दैट कि हर नंबर आने के जो चांसेस हैं वो क्या हैं, 1 प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, तो नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। अब इस पे कंडीशन अप्लाई, गिवन दैट बी इज़ अनदर इवेंट विच इज़ ऑलरेडी अकर, और वो क्या है कि हमने डाइस को थ्रो कर दिया है और जो नंबर आया है वो इवन नंबर है, तो हमारी सैंपल स्पेस क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये कंप्लीट सैंपल स्पेस थी। और रिड्यूस सैंपल स्पेस क्या होगी, क्योंकि हमने कहा कि इवन नंबर आया है तो वो क्या होगी, 2 4 6। नाउ इस रिड्यूस सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन जाएगी हमारे पास, अगर नंबर 4 है तो वो क्या देगी, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगा, 1/3 हमारे रिड्यूस सैंपल स्पेस में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/3, क्योंकि हमने कहा कि बी जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है और बी कैन टेक 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज विच आर इवन, यानी कि बी जो है इवन नंबर ऑफ वैल्यूज में मुझसे मिला है और इवन नंबर में हमें 4 क्योंकि हम रिक्वायर्ड है। फुल सैम्पल स्पेस में प्रोबेबिलिटी उसकी 1/6 बनती है, जबकि रिड्यूस सैम्पल स्पेस में उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाती है। तो क्या है, अगर ए और बी दो इवेंट हैं और सेम सैम्पल स्पेस से बिलोंग करते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हेन बी जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ हमने एक फेयर पॉइंट को हमने वी विल एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल कि सपोज हमारे पास एग्जाम्पल स्पेस है, उसमें टोटल 36 पॉइंट हैं,
36 पॉइंट कब होंगे, जब हम टू डाइसेस जो है थ्रो कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होंगे, टोटल 36 पॉइंट हैं। अब हमने करना है कि सम जो है शोन इन सिक्स, क्या है, अ पेयर ऑफ डाई को हमने रोल किया, लेट ए नोट द इवेंट, ए किसे नोट किया, द सम शोन इन सिक्स एंड बी द इवेंट द टू डाइसेस शो द सेम नंबर। अब ए क्या है, सम शोन इन सिक्स, और बी क्या है, द टू डाइसेस शो द सेम नंबर। अब ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 5 टू थ्री फोर 4 2 and 5 1, और बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि ए क्या था, हमारे पास जो सम था जो बता रहा था कि जो टोटल है टू डाइसेस का वो क्या है, 6 है, और बी क्या है कि जो हमारे पास नंबर जो आया है वो क्या है, इवन नंबर है। अब बी जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है, और ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें तो दोनों में 3 3 एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, ठीक है, वन पेयर ऑफ डाई क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/36 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, 6/36, बस 6 ऐसे पेयर्स आते हैं जो कॉमन हैं। देखें, वी विल एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, हमारे पास सैम्पल स्पेस में टोटल में हमने सैम्पल स्पेस बनाई हुई है, टू डाइसेस को थ्रो किया है, 36 है। फर्स्ट क्या है, ए सेट ए में क्या है जिनका टोटल 6 हो, 1 5 2 4 3 3 4 2 and 5 1, ये वो पेयर्स हैं जिनका टोटल क्या है, सेम है, और बी क्या है कि जो दोनों डाइसेस पे ना सेम नंबर आए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and the last one is 6 6। अब आप देखें इसमें 3 3 कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 element 3 3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने फाइंड आउट करनी है, ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी की 1 1 है, 1/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1 2 3 4 5 6 6/36, 1/36 and 6/36 एंड 1/6 जो है इसका आंसर हुआ। क्लास वी विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल क्या, फेयर डाई इज रोल वंस गिवन दैट द आउटकम इज इवन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तो है गिवन दैट द आउटकम इज इवन, जो बेटा गिवन दैट वाला सेंटेंस होता है वो मुझे याद रखिएगा, वो वाला इवेंट होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका होता है। इसका मतलब है कि जब हमने डाइस को थ्रो किया तो हमें पता है कि जो नंबर आया है वो क्या है, इवन नंबर है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। सैम्पल स्पेस क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। ए क्या है, ए है गिवन दैट द आउटकम इज इवन, इवन कौन कौन से नंबर होते हैं, 2 4 and 6, और क्या है प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन कौन कौन से, 3 कौन कौन से हैं, 4 5 6। तो ए क्या हो गया, वो इवेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है वो क्या है, 2 4 6, यानी कि जो हमने डाइस थ्रो किया है उसका में जो आंसर आया वो एक इवन नंबर है। और बी क्या है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक नंबर जो है ग्रेटर देन 3 है, 4 5 and 6। नाउ ए इंटरसेक्शन बी हम अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, क्या आएगा इसमें से कॉमन, 4 and 6 कॉमन क्या है हमारे पास, 4 and 6। नाउ व्हाट, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है हमने, ए जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है हमारे पास, अगर हम यहाँ निकालें सब अपने रूल से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आएगी 2/2 है हमारे पास इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास 3/6. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कैसे हम करेंगे, 2/6 डिवाइडेड बाय 3/6, हमारे पास आ जाएगा 2/3. यानी कि आउट ऑफ थ्री दे टू चांस, जो नंबर जो है हमने हासिल किया वो क्या इवन नंबर भी है और ग्रेटर देन थ्री भी है. नाउ वन मोर एग्जांपल, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई इज 0.50 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ जुलाई इज 0.40. गिवन दैट जुलाई फर्स्ट इज अ रेनी डे, अब गिवन दैट क्या है हमारे पास, जुलाई फर्स्ट इज़ द रेनी डे, यानी कि ये वो इवेंट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया है. वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे की हमने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. सपोज वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास, डैट फर्स्ट डे ऑफ जुलाई इज़ रेनी इज जीरो क्या है 0.50, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है. और द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड डे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेक्शन बी दोनों में जो है वो क्या है 0.40 हमारे पास आया है 0.40. और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या आएगा हमारे पास 0.40 डिवाइडेड बाय 0.50. ये हमारे पास क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.80. ये हमारे पास क्या है बेटा, जो एग्जांपल है इनसे आपको समझ आई कि हमने किस तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमेशा याद रखिएगा गिवन डैट वाला इवेंट क्या होता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका होता है जिसके हमेशा गिवन डैट लगा होता है. ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज टू एग्जाम्पल. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट. टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ इवेंट वन डज नॉट डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ इवेंट टू, यानी कि आपस में उनका कोई रिलेशन ना हो तो वो क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे. डिपेंडेंट जो इवेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे वो, डिपेंडेंट इवेंट. जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने किया तो ये क्या डिपेंडेंट इवेंट था कि इवेंट बी पहले एग्जिस्ट हो गया था उसके बाद इवेंट ए एग्जिस्ट हुआ, या ए एग्जिस्ट हो चुका होता है तो उसके बाद क्या होता है बी एग्जिस्ट होता है. अब इंडिपेंडेंट की क्या डेफिनेशन है, द इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी, यानी कि ए की अकरेंस चाहे वो अकर हो रहा हो चाहे ना अकर हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अकरेंस पे उसका कोई इफेक्ट ना पड़े. इसी तरह डिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे कि इफ दे हैव सम कॉमन, इफ दे हैव सम इंटरसेक्शन बिटवीन देम, तो वो क्या होंगे, इवेंट ए और इवेंट बी जो हैं वो डिपेंडेंट इवेंट होंगे. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स कहाँ यूज होंगे, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में. फॉर हम दोनों के लिए करेंगे, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड फॉर
फॉर डिपेंडेंट इवेंट. डुप्लीकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड फॉर डिपेंडेंट इवेंट. फर्स्ट वी विल डू फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट. टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट. इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी. Probability of occurrence event A and B is equal to probability of occurrence event A into probability of occurrence event B. ठीक है, simply हम दोनों की probabilities को multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, multiplicative law of probability आ जाएगा for independent event. Class we will explain this with the help of an example. For हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी करें इंडिपेंडेंट इवेंट की. इंडिपेंडेंट इवेंट यानी कि उनमें कोई भी कॉमन ना पाया जाए. एग्जांपल देखते हैं, फेयर डाइस इज टॉस ट्वाइस. टू टाइम हमने एक फेयर डाई को टॉस किया. फेयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि वो कहीं से भी स्पॉइल ना हुआ, वो बिल्कुल फेयर डाई हो. इज टॉस ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फोर फाइव और सिक्स ऑन द फर्स्ट टॉस एंड वन टू थ्री फोर ऑन द सेकेंड. अब देखें, जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, फर्स्ट पे हमने क्या चेक करना है कि फोर फाइव सिक्स आया और सेकंड टॉस में वन टू थ्री फोर आने के चांसेस क्या हैं. अब ये देखिए, हम डाइस को जितनी मर्जी बार थ्रो करें, एक की थ्रो दूसरी पे डिपेंड नहीं करेगी. हर दफ़ा हमें नहीं पता होगा कि अपर मोस्ट फेस पे कौन सा नंबर आता है. उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से कोई सा भी नंबर आ सकता है. तो क्या इसका मतलब है कि इस ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास दोनों इवेंट हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, उनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है. फर्स्ट में आपने क्या करना है, फोर फाइव. अगर हमने फर्स्ट में भी वन टू थ्री फोर भी करना हो तब भी कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि हर दफ़ा जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो हम वो डोंट नो कि कौन सा नंबर आएगा. अंडरस्टैंड क्लास? नाउ ए सेट ए क्या है हमारे पास, फोर फाइव सिक्स. सेट बी क्या है, जो हमें सेकंड थ्रो पे फाइंड आउट करना है, वो क्या है, वन टू थ्री फोर. अब ए में देखें, टोटल सैंपल स्पेस सिक्स होती है और सेट ए में कितने थ्री नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, थ्री बाय सिक्स. इसी तरह सेट बी में कितने नंबर हैं, वन टू थ्री फोर, और प्रोबेबिलिटी बी क्या हो जाएगी, फोर बाय सिक्स. अगर आपको याद हो तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी बताई थी कि कैसे एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको पता चलेगा कि मैंने प्रोबेबिलिटीज़ कैसे फाइंड आउट की हुई हैं. तो थ्री बाय सिक्स इसको मैंने रिड्यूस करके वन बाय टू कर दिया, एंड देन फोर बाय सिक्स रिड्यूस करके टू बाय थ्री कर दिया. नाउ लुक एट द फार्मूला. फार्मूला क्या था फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आई है हमारे पास, वन बाय टू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आई है, टू बाय थ्री. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाय थ्री. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी, वन बाय थ्री. यानी कि वन बाय थ्री चांस है कि फर्स्ट टॉस में फोर फाइव सिक्स आए और सेकंड में क्या आ जाए, वन टू थ्री फोर आए. नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. नाउ बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ थ्योरम विद फॉर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट. नाउ फॉर मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट, जैसे कि नाम जाहिर है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड कर रहा है. एक इवेंट एग्जिस्ट हो चुका है, उसके बाद दूसरा इवेंट एग्जिस्ट हो रहा है, जिसकी एग्जिस्टेंस पर फर्स्ट इवेंट की एग्जिस्टेंस असरअंदाज हो रही है. क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए ऑलरेडी एग्जिस्ट. जैसे कि अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सारा पढ़ा, यही उसको ध्यान में रखें कि हम जब क्या करते हैं कि बी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी जब चेक कर रहे होते थे कि ए ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए.
तो क्या है इसको इधर लें तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पता है एक वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि हमने टू कार्ड्स क्या हैं ड्रॉ किए हैं और दोनों जो सेकेंड किसने उसमें किया है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का पता है आपको क्या होता है कि एक दफ़ा हमने एक कार्ड ड्रॉ किया, उसके बाद सेकेंड कार्ड ड्रॉ करने से पहले हमने उसको दोबारा पैक में अपने वर्ल्ड में पैक अपने जो कार्ड का पैक है उसमें नहीं डाला, तो ये क्या मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर हम उसको दोबारा डाल देते हैं तो वो क्या होता है विद रिप्लेसमेंट, अगर नहीं डालते तो विदाउट रिप्लेसमेंट रहती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज़ अ किंग एंड द सेकेंड इज़ अ क्वीन। अब फर्स्ट कार्ड क्या है किंग है और सेकेंड कार्ड क्या है क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखें, कितने किंग होते हैं हमारे पास एक वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड में, 4 किंग्स होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है दैट फर्स्ट कार्ड इज़ अ किंग, यानी कि उस पैक में से जो हमने फर्स्ट कार्ड निकाला है वो किंग है। दे आर 4 किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुई 4/52 बिकॉज देर टोटल 52 कार्ड्स। अब हमने सेकेंड कार्ड ड्रॉ करना है, सेकेंड इज़ अ क्वीन। अब हमारे पास जो पैक है उसमें से एक कार्ड तो ड्रॉ हो चुका है, तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड कितने बचे 51, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है उसको हम वापस उस पैक में नहीं डाल रहे, और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड रह जाएंगे वो कितने होंगे 51। अगेन दे आर फोर क्वींस इन अ वर्ल्ड शफल पैक ऑफ कार्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या हो जाएगी 4/51। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई राइट हेयर 52 एंड हेयर 51, बिकॉज टोटल कार्ड्स आर 52 एंड देयर इज 4 किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है दैट इन फर्स्ट ड्रॉ इट इज अ किंग, तो वो क्या हो जाएगी 4/52। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है कि सेकेंड जो हमने किया है वो कार्ड ड्रॉ किया वो क्वीन है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट कर रही है क्योंकि ए ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है और हमने विदाउट रिप्लेसमेंट किया है, तो टोटल में से उस क्या है उसका ए किंग हमने निकाल दिया तो हमारे पास कितने रह गए कार्ड्स रह गए 51, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/51। नाउ डिपेंडेंट इवेंट का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी given that A already exists. So probability of A is 4/52, probability of B given that A is 4/55, इनको मल्टीप्लाई करें, what is our answer 4/663। Now class, understand how we find out the conditional probability and how we do the multiplicative law of probability when the events are independent and when the events are dependent. When events are independent, we just multiply the probability of both event and find out the total probability. If the event are dependent, we will find the probability of A, and the next dependent if event B, probability of B, how we find probability of B given that A. Now in next class, inshallah, we will start new topic. Allah Hafiz.